हेलो गाइस, रितेश गौतम हियर। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके चैनल एक्सपर्ट नोट्स में। आज हम आगे बात करने जा रहे हैं ओमिशंस के बारे में, आर्टिकल के जो ओमिशंस है हमें कहाँ कहाँ आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। बिना देरी के आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ये वीडियो आप लोग अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए यूज कर सकते हैं। कहीं पर भी आर्टिकल की जरूरत पड़ती है हमारे इसको यूज किया जा सकता है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी या बोर्ड के स्टूडेंट क्यों ना हो। आप हमें हमारे फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे। हमने हमारी साइट का भी शुरू में लिंक दे दिया है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन के, और वहां से आप हमारी साइट पर जा सकते हैं spartnotes.co.in पर। वहां पर आपको हमारे कुछ रिटन रूल्स मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ फ्रेजेस की बात करते हैं। कुछ फ्रेजेस हैं जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? सकर्मक और अकर्मक, जिनमें मतलब कि कर्म होता है कर्म नहीं होता, ये सारी चीजें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जब हम वर्ब की वीडियोस लेकर आएंगे आपके लिए। लेकिन फिलहाल ऐसे ही समझ लेते हैं गाइस। जब इन्हें आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो टू का यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो टू लगा हुआ है ये आप दिमाग में डाल लें। सबसे पहले कैच फायर, आग लगना, उसके बाद लीव स्कूल, स्कूल छोड़ना है, फिर लीव कॉलेज, कॉलेज छोड़ना, गिव ईयर मतलब ध्यान देना है, ध्यान से सुनना, ब्रिंग वर्ड यानी कि खबर लाना, लेस साइज मतलब आकार देना, लूज हर्ट हताश होना या उम्मीद खोना, सेट सेल समुद्री यात्रा शुरू करना, सैंड वर्ड खबर भेजना, कास्ट एंकर लंगर डालना। मतलब लंगर डालने का मतलब होता है आप कहीं जा रहे हो और रात होने जा रही है, तो आपने तंबू गाड़ के वहीं पे एक रात का बसेरा कर दिया, उसे लंगर गाड़ना कहते हैं। ओके, तो इन जो फ्रेजेस में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद आप आगे देखें, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से फीलिंग या इमोशन को कथन की तरह यूज किया जाए, है ना, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है उनकी जो फीलिंग्स है, जो इमोशन होते हैं, उनको जब कथन के रूप में यूज किया जाता है तो उनमें भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि कथन क्या होते हैं, ये कुछ कहावतें होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप देखें ऑनेस्टी। अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त नाउन, जिसकी कोई मूर्त नहीं होती है, ये भी हम आपको जब बताएंगे जब हम नाउन की वीडियोस बनाएंगे। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी सर्वश्रेष्ठ नीति है। यहाँ पर वर्च्यू हैज इट्स ऑन रिवॉर्ड, तो वर्च्यू से पहले भी नहीं लगाया, ऑनेस्टी से पहले भी नहीं लगाया, क्योंकि ये कथन के रूप में यूज है। आगे देखेंगे, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन से किसी व्यक्ति, जीव या वस्तु की क्वालिटी से संबंध स्थापित किया जाए, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो रहा है, किसी भी व्यक्ति या किसी भी जीव या किसी भी वस्तु से के गुण से संबंध दिखा रहे हैं, तो वहां पर आप करेंगे उस गुण से पहले। ओके, जो गुण किसी का हम दिखाएंगे किसी व्यक्ति में, फॉर एग्जाम्पल टाइगर का कोई गुण हमने किसी व्यक्ति में दिखा दिया, या फॉक्स का गुण किसी में दिखा दिया, या डॉग का गुण किसी में दिखा दिया, तो जो भी आप किसी का गुण दिखा रहे हैं आप किसी भी व्यक्ति में, तो उस गुण से पहले आपको दा लगाना पड़ेगा। यहां देखें जरा, शी हैज द कनिंगनेस ऑफ क्रो, उसमें कौए की कनिंगनेस है, धूर्तता है। इसके बाद शी हैज द स्विफ्टनेस ऑफ ए टाइगर, उसके अंदर एक टाइगर जैसी स्फूर्ति है। इसी तरीके से आप और भी कोई एनिमल ले सकते हैं जिसकी आप गुणों को ऐसे किसी व्यक्ति से या किसी भी अन्य जीव से तुलना कर सकते हैं। तो जब आप तुलना करेंगे तो जिस गुण को ला रहे होंगे उस गुण से पहले आपको दा लगाना ही पड़ेगा। ओके, अब आगे देखें, कॉमन नाउन को अगर विस्तृत रूप में, व्यापक रूप में, ब्रह्मांडिक रूप में यूज किया जाता है तो उसकी जगह पर भी आप यूज नहीं करेंगे। छोटे छोटे से चार सेंटेंस है, जैसे कि फिश लिव इन वॉटर, पानी में क्या है, मछलियां पानी में रहती हैं, तो हर जगह पर देखिए मछली पानी में रहती है, व्यापक रूप में यूज है ये। बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ा करती हैं, है ना, ब्रह्मांडिक है, एक विस्तृत रूप में प्रयोग हो रहा है। काउ इट्स ग्रास, गाय घास खाती है, मैन इज मोर्टल, मैन मोर्टल है, तो ये व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में यूज हो गया इनका। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़े स्तर पर यूज होना, मतलब की पूरे के पूरे ब्रह्मांड के उसमें यूज हो गया। अभी हर जगह पानी में ही रहती है मछली, हर जगह चिड़िया उड़ती है, घास ही खाती है, और मैन मॉर्टल है ही, तो समझ गए होंगे आप। इसके बाद प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नाम, जैसे कि अशोका वॉज ए ग्रेट किंग, तो अशोका से पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया है।
आप मेरा भी नाम ले सकते हैं, रितेश गौतम इज अ टीचर, तो रितेश गौतम हम बोलेंगे, ए रितेश गौतम, द रितेश गौतम नहीं बोल सकते, जहां बोलना था वो पहले ही बताया था। अब यहां पर भी फिर से ध्यान दे, लेकिन जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए तो उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे। समझने के लिए एक बात ध्यान रखे, जब किसी व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति से उसके गुणों के रूप में तुलना कर दी जाए, ओके, जैसे कि कोई व्यक्ति बिल्कुल खड़ूस है, ओके, हिटलर जैसा तानाशाह है अपने घर में, तो हम बोलेंगे ही इज द हिटलर ऑफ आर फैमिली, ओके, क्यों? अब वो रियल तो हिटलर है नहीं, लेकिन उसके अंदर हिटलर जैसी मानसिकता, तो इसलिए हमने उसको हिटलर से कंपेयर कर दिया, तो दा लगा दिया। वैसे यहां पर कुछ चीज समझने की कोशिश करें, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर तो जयपुर है, पेरिस नहीं है ना, लेकिन उसको पेरिस से कंपेयर किया गया है, तो जयपुर इज द पेरिस ऑफ इंडिया, ओके। इसी तरीके से देखें, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, स्विट्जरलैंड एक अलग कंट्री है, लेकिन यहाँ एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को, ओके, तो द स्विट्जरलैंड लगाया क्योंकि कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से हो रही है। अगेन, मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मुंबई इंडिया का मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर से इंडिया की मुंबई की तुलना हो रही है। राहुल इज द विराट कोहली ऑफ अवर टीम, राहुल हमारी टीम का विराट कोहली है, तो यहाँ पर हम राहुल की तुलना विराट कोहली से कर रहे हैं। तो देखा आपने गाइस, तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं। ये थे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, या किस कंडीशन में हम आर्टिकल को यूज करते हैं, वो नीचे मैंने साथ में दिखा दिया आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, वीडियो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।